स्मार्ट असिस्टेंट से लेकर स्मार्ट कार्स तक आज एआई हर जगह मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज तो करते हो, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें भी एआई छुपा हुआ है और वो हर वक्त आपको ट्रैक भी कर रहा है। चलो तो देखते हैं क्या है ये चीजें। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर वन, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स तो आज हर कोई यूज करता है। अगर आप किसी नई जगह पर हो फिर तो गूगल मैप्स आपके लिए भगवान की तरह ही दौड़ कर आता है ना? आज 220 से भी ज्यादा कंट्रीज में लोग गूगल मैप्स की मदद से 1 बिलियन किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं। तो इतने सारे लोग इसे यूज करते हैं, वो भी अपनी अपनी एरियाज में, फिर तो इसे मैनेज करना डिफिकल्ट होगा ना? जी नहीं, यहाँ यूज होता है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ट्रैफिक रूट्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं और एस्टिमेटेड टाइम भी बताया जाता है कि आप कितने टाइम में लोकेशन पर पहुंचोगे। वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी गूगल मैप्स ट्रैफिक इंडिकेशन देकर रास्ते में ही एन रूट करके बताता है, तो वो भी एआई की मदद से ही होता है। नंबर टू, नेटफ्लिक्स। आज ग्लोबली लाखों करोड़ों लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आज 12,500 से भी ज्यादा मूवीज और टीवी शोज है। तो बिना कोई प्रॉपर सिस्टम के ये प्लेटफॉर्म का कोई यूज ही नहीं रहेगा, लेकिन एआई ने नेटफ्लिक्स का काम बहुत आसान कर दिया है। तो एआई की मदद से आपको आपके इंटरेस्ट के अनुसार मूवीज और टीवी सीरीज सजेस्ट की जाती है। आपको नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी चाहिए ये भी आपको एआई की वजह से ही पॉपअप हो जाता है। उसी तरह ये एआई आपकी लोकेशन और डेट भी पता करता है कि आप किस तारीख पर वो मूवी देख रहे थे, और तो और कौन से डिवाइस पर देख रहे हो, कहाँ पे पॉज कर रहे हो, कहाँ पे रिवाइंड कर रहे हो, या फिर आप कंटेंट बीच में से छोड़कर जा रहे हो, आपका ब्राउजिंग और स्क्रोलिंग बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ डिटेक्ट करता है एआई और फिर हमारे कन्वीनियंस के अनुसार हमें नोटिफिकेशंस भेजता है, सजेशंस देता है। देख रहे हो आपका कितना ख्याल रखता है ये एआई। नंबर थ्री है जीमेल। जी हाँ, आपके जीमेल में भी एआई छुपा हुआ है। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि आपका जीमेल काफी ज्यादा फिल्टर्ड होता है, यानी उसमें प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस, अपडेट्स, फोरम्स और स्पैम्स ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो यहाँ एआई आपके सारे डेटा को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करता है। जैसे मान लो आपको कोई मेल आया है, तो एआई इस ईमेल को सारे कैटेगरीज में सॉर्ट करके चेक करता है कि ये स्पैम है या नहीं। अगर स्पैम निकला तो वो सीधा सेपरेट फोल्डर में डाला जाता है। गूगल भाई साहब ने ये भी बताया है कि एआई की मदद से ये स्पैम मेल्स आपकी इनबॉक्स में आने से 99% रुक जाते हैं, जो कि सच में एक बहुत अच्छी बात है। उसी तरह एआई की हेल्प से जीमेल में ऑटोमेटेड स्मार्ट रिप्लाईज का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि थैंक्स अ लॉट, रिसीव्ड, ऐसे आपने देखा ही होगा। सच में यार, एआई अब धीरे धीरे हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल होता जा रहा है। नंबर फोर है आपका स्मार्टफोन। ये जो फोन आपने हाथ में पकड़ा है उसमें भी एआई है। तो क्या ये एआई आपके सारे डेटा को ट्रैक करता है? जी हाँ, अब हर एक स्मार्टफोन में स्मार्ट असिस्टेंट तो होते ही है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, तो ये सब एआई की मदद से ही तो फंक्शन होते हैं। उसी तरह आपके फोन्स में जो परफेक्ट पोर्ट्रेट पिक्चर्स आते हैं वो भी एआई का ही कमाल है। यहाँ तक कि आपकी जो फेस आईडी है वो भी एआई से ही जुड़ी हुई है। अब एप्पल का ही देख लो, एप्पल की फेस आईडी 3D में देख सकती है, यानी ये आपकी इमेज कैप्चर करके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से आपके फेस को स्कैन करके कंपेयर करती है कि आप वही इंसान हो ना जिसने पहले भी ये फेस आईडी से फोन अनलॉक किया था, और उसके बाद ही आपका फोन अनलॉक होता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी कोई चीजें पता है जिसमें एआई छुपा हुआ है? मुझे कमेंट्स में बता दो ना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।